जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अपने 2025 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक ओर जहां नीतीश के महिला वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है, तो वहीं लालू यादव के वाई वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उन्होंने लालू यादव के यादव वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए शहर में जगह जगह पोस्टर लगाया हुआ है और निशाना साधा गया है कि लालू यादव सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि यादव पीछे छूटता जा रहा है। ये पोस्टर जन सुराज की अपर्णा यादव की ओर से लगाया गया है। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टरों में लालू यादव पर सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने और यादव समाज के दूसरे नेताओं को किनारे करने का आरोप लगाया गया है। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पीके पहले से ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर हमेशा से ही एक हथियार रहा है, खासकर चुनाव के समय बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका जमकर इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस बार पीके के जन सुराज ने पोस्टर वॉर को एक नया मोर्चा दे दिया है। जन सुराज नेता अपर्णा यादव की तरफ से लगवाए गए इन पोस्टरों में लालू परिवार के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की तस्वीरें हैं। पोस्टर में लिखा है कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार देखा है और यादव समाज के अन्य नेताओं का राजनीतिक संहार कर दिया है। पोस्टर में एक तरफ लालू यादव के परिवार 6 सदस्य हैं जो राजनीति में ही हैं, दूसरी तरफ यादव जाति से आने वाले 6 बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं जिन्हें उपेक्षित करने का लालू यादव पर आरोप लगता रहा है। पोस्टर के जरिए पीके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ यादव परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, पार्टी में दूसरे यादव नेताओं का कोई सम्मान नहीं मिलता है। पीके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि लालू यादव किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि आरजेडी में उनसे ज्यादा योग्य नेता भी मौजूद हैं। पीके के पोस्टर वॉर से साफ है कि उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में लालू परिवार को अपना निशाना बनाया है। वे यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टरों में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जन सुराज में यादवों को तरजीह दी जा रही है। बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता पीके के साथ जुड़ रहे हैं। हाल ही में कई कार्यकर्ताओं के जन सुराज में जाने के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपनी पार्टी के लोगों को आगाह करना पड़ा था। जन सुराज की नेत्री अपर्णा यादव बिहार की राजनीति में लालू परिवार पर कोई लगातार हमला बोल रही है। बीते दिन उन्होंने पोस्टर लगाया था कि यादव समाज को अब 10वीं फेल नेता नहीं बल्कि शिक्षित नेता चाहिए। अपर्णा ने कहा कि यादव समाज से आने वाले लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश किया है कि आरजेडी को आगे बढ़ने के लिए आप चाहे कितना भी संघर्ष और मेहनत कर लें, लेकिन जब आपको आगे बढ़ने की बात आएगी तो उस समय लालू यादव के द्वारा आपको दबा दिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।